हेलो गाइस, मैं हूं सुमन। स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि शुगर रॉकेट का जो फ्यूल है वो कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग कुछ ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस तीन चार चीज़ है जो चाहिए हम लोग। सबसे पहले चाहिए पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि आप लोगों को अमेजोन से मिल जाएगा, जिसका लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से क्लिक करके खरीद सकते हैं। उसके बाद दूसरा चाहिए चीनी, जो कि आप लोगों को कहीं से भी मिल जाएगा, ठीक है। और तीसरा मिक्सी ग्राइंडर चाहिए इन चीज़ों को बारीक पीसने के लिए। और इसका जो रेशियो होता है, अगर आपको 100 ग्राम 100 ग्राम फ्यूल बनाना है तो इसके लिए आप लोगों को 65 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट लेना है और 35 ग्राम शुगर लेना है। इसमें शुगर जो है, चीनी जो है, वो फ्यूल का काम करता है, शुगर जलता है, और पोटेशियम नाइट्रेट इसको जलने में मदद करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए वो यूज में आता है। तो इस दोनों को मिक्सचर जो है 65:35 के रेशियो में करेंगे, और जब मिक्स करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि दोनों जो है अलग अलग मिक्स होना चाहिए। एक साथ अगर मिक्सी में पीस देंगे तो मिक्सी में क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होता है और वो आग पकड़ सकता है और एक्सप्लोजन हो सकती है, विस्फोट हो सकती है। और मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, क्योंकि आपका जो सुरक्षा है वो सबसे पहला प्रायोरिटी है। तो मैं ये बहुत ही सेफ्टी के साथ सारे प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग इन सारे प्रिकॉशंस को नहीं कर पाएँ तो प्लीज़ ट्राई मत कीजिएगा। अदरवाइज अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप लोग खुद से शुगर फ्यूल बना सकते हैं। और शुगर रॉकेट कैसे बनाना है ये ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए बना लेते हैं शुगर फ्यूल, सारे प्रोसीजर को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो गाइज, जब आप अमेजोन से ऑर्डर करेंगे तो आपको इस तरह के डिब्बा में 500 ग्राम का पैक जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए ये मिश्री के दाने जैसे हैं, देख सकते हैं। ये लेना है 65 ग्राम अगर आप 100 ग्राम का बैच बनाते हैं तो, और चीनी लेना है 35 ग्राम। तो गाइस, ये चीनी जो कि हमने बेट कर लिया है, ये 65 ग्राम है। मेरे पास यहाँ बेट करने के लिए नहीं था तो हमने अलग से इसको बेट करके लाया है। और ये जो है ये 70 ग्राम है, 200 ग्राम का हम बैच बनाएंगे, चीनी 70 ग्राम, ठीक है। और ये पोटेशियम नाइट्रेट जो कि है 130 ग्राम, ठीक है। अब दोनों को मिक्स करेंगे मिक्सी ग्राइंडर में अलग अलग सेपरेटली। पहले चीनी पीस लेते हैं, उसके बाद। तो गाइस, इस ग्राइंडर में डाल लेते हैं, एक बार में इतना ज़्यादा तो नहीं पीस पाएगा। हो जाएगा डाल के, जितना अच्छा से मिक्स हो सके मिक्स कर लेंगे इसको। बारीक पीस चुका है ये, रख लेते हैं।
जितना बारीक पिसा रहता है उतना अच्छा रहता है गाइस। और इसको अच्छा से साफ कर लेना है, क्योंकि मैंने बताया ही आपको, जब अगर ये दोनों मिल जाएंगे इसको जितना अच्छा से मिलाइएगा ना उतना अच्छा बनता है। चलिए अच्छा से साफ हो गया है, इसको दिया थोड़ा सा। रेशियो एकदम याद रखिएगा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, जितना परफेक्शन लाइएगा उतना बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा। आधा एक बार हम पीस लेते हैं, आधा एक बार हम पीस लेंगे। रेसिड्यू बचेगा और अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं आएगा, क्योंकि अच्छा सिर्फ पिसा रहेगा तभी जो है। कुछ देर और चला देते हैं, 5 सेकेंड। ओके गाइस, दोनों अच्छा से मिक्स हो चुका है, ये शुगर पाउडर, ये पोटेशियम नाइट्रेट का पाउडर। ठीक, दोनों को जितना अच्छा से मिक्स कर सकते हैं उतना अच्छा से मिक्स कर देना। अच्छा से मिक्स कर लेते हैं, जितना अच्छा से हो सके उतना अच्छा से मिक्स कर देना इसको। अभी देखते हैं हम लोग इसका रिजल्ट, देख लेते हैं दोस्तों, चेक कर लेते हैं फ्यूल का बर्निंग रेट क्या है, सही से जल रहा है या नहीं। देख सकते हैं आप लोग, तो गाइस देखा आपने बहुत ही अच्छा फ्यूल बना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारा जानकारी मिल गया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए। मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह के अगले वीडियो में। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा कि अगला वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए, क्या आप लोग बनाते देखना चाहते हैं या क्या जानकारी चाहिए होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।